रॉन्ग साइड दीदी, रॉन्ग साइड। 5 मिनट में हमने विधानसभा से सोडाला टच कर लिया। नमस्ते एंड हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, माय नेम इज भास्कर। तो गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो वीडियो होने वाला है ना, वो मेजरली जयपुर वालों के लिए होने वाला है, क्योंकि हमारे जयपुर में एक बहुत ही प्यारा सा एलिवेटेड रोड बना जिसका नाम रखा है भारत जोड़ो सेतु। तो आई डोंट नो क्यों रखा है भारत जोड़ो सेतु, बट बहुत ही सही चीज़ है। और अभी टाइम हो रहा है 6:30 और विनेश डे है, तो मैंने सोचा ये बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा उस पर वीडियो बनाने का, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी पता चल जाएगी, क्योंकि यही पीक टाइम होता है ट्रैफिक का। मैं पूरा समझाऊंगा कि क्या है वो फ्लाईओवर, कहाँ से कहाँ जा रहा है और कितना प्रैक्टिकल है वो। मुझे देखने में तो काफ़ी प्रैक्टिकल लगा और सही भी है काफ़ी, मतलब जो ट्रैफिक वाला रोड है वहीं बना है वो। तो चलते हैं देखते हैं कैसा है। और अभी मैं आया हूँ यहाँ पे, एक कैफ़े है बनी भी कैफ़े, और काफ़ी अच्छा छोटा सा कैफ़े है, सुंदर सा कैफ़े है श्यामनगर में। तो कभी आप आओ यहाँ श्यामनगर साइड में, जयपुर से और यहाँ आ रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आना। और यहाँ पे आपको शुभम भाई हैं, ये मिल जाएंगे आपको यहाँ पे जब भी आओगे। तो इनका ही कैफ़े है, इन्होंने ही डिज़ाइन किया है और काफ़ी प्यारा डिज़ाइन करा है। तो आप आओ तो कभी भी यहाँ पे शुभम भाई से मिल सकते हो और यहाँ पे आराम से चिल आउट कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो ना, फर्स्ट टाइम मेरे से कनेक्ट हो रहे हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को और लाइक करें बिना मत देना वीडियो को, और अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर लेना अपने फ्रेंड के साथ में। ओके, तो गाइज मैं पहुँच चुका हूँ इस फ्लाईओवर के पास में। तो यहाँ से स्टार्ट होता है इसका फर्स्ट लैग जो है इसका, वो देखो ये राइट से जा रहा है मेरे। और आई रियली डोंट ट्रस्ट द गोप्रो क्वालिटी एट नाइट। और अभी जो ये लैग है ना, ये हिल्टन के आगे से स्टार्ट होता है, हिल्टन होटल हवा सड़क पे, और ये जाता है विधानसभा वाले सर्कल तक। तो लेट्स गो। तो आई थिंक अगर मैं नीचे से जाता ना इसी रूट पे, तो फुल पीक टाइम में मुझे इस रूट पे लगता आराम से 20 मिनट्स यहाँ से विधानसभा सर्कल तक पहुँचने में, आराम से जो फुल ट्रैफिक होता है, क्योंकि 2-4 बार रुकते हैं रेड लाइट पर भी। और अभी अपन आगे इस फ्लाईओवर पर, और इस पर कितनी रेट लगती है, नॉर्मल स्पीड चलेंगे अपन 60। फालतू का अपने को घाई नहीं करने का और भगाने का नहीं है। तो लुक एट दिस यार, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ गुरम वाला। और ये है अपना न्यू फ्लाईओवर, एंड दैट वन इज़ ओल्ड फ्लाईओवर। और मुझे लगा है हार्डली 3 to 4 minutes, हार्डली अगर मैं वैसे आता तो मुझे 15 to 20 minutes आराम से लग जाते, और अभी मुझे लगा 3 to 4 minutes। दैट्स अ वेरी गुड थिंग ना। और जितना अच्छा नाम है उतना अच्छा काम भी कर रहा है ये फ्लाईओवर, बहुत ही सही है यार। मतलब ये एक ब्लेसिंग है जयपुर राइड्स के लिए, और जयपुर में बाहर से भी जो आते हैं वो समझते होंगे कि जो जयपुर घूमे हैं ना इस पीक टाइम्स में, उनको समझ आता होगा। हो गया, तो ये वाला जो साइड ही जा रहा है सोडाला के लिए, और हिल्टन पहले भी उतर जाएगा, तो अपन यहाँ, ये सबसे लंबा साइड है इसका, तो इस पर चलते हैं अपन, मीटर कर लेते हैं 0। पहले वाला था 1 point something kilometers, 1.8 kilometers, और ये वाला होगा, ये अपन 0 कर दिया यहाँ पे, देखते कितना किलोमीटर्स आता है, लेट्स गो। और कितना टाइम लगता है, और ये वाला जो रूट है ना यहाँ विधानसभा से सोडाला तक का, इस पर तो आप पीक टाइम में आराम से भूल जाओ, 45 मिनट्स का टाइम लगता है इंसान को यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में, अगर फुल पीक टाइम चल रहा है तो। अभी आप देखना कितना टाइम लगेगा, 8:05 दिखा रहा है अपनी घड़ी में, और अपन सोडाला कितने देर में पहुँच जाते हैं, लेट्स सी। ये देखना भाई न्यू पे रॉन्ग, अरे दादा 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 दादा, आराम से रॉन्ग साइड दीदी, रॉन्ग साइड, नए फ्लाईओवर पर रॉन्ग साइड मत आओ, और इवन इस पर रुको भी मत, क्योंकि ये दो टू लेन्स का ही है, जो अपना इससे पहले वाला है वो लंबा है थोड़ा, ये टू लेन्स ही है, तो प्लीज़ इस पर रुको भी मत, स्टे स्टॉप भी मत करो अपना कोई भी व्हीकल, और यहाँ पे रॉन्ग साइड या कुछ ट्राई मत करो, क्योंकि ये एक बार स्टार्ट होता है तो सीधा आपको नीचे उतारेगा वापस, बीच में कोई कट्स नहीं है इसके अंदर कि आप कहीं से घूम जाओ, या इतना कोई छोटा डिवाइडर नहीं है, खुदा लो उसको। तो ये चीज़ें ट्राई मत करो इस फ्लाईओवर पर प्लीज़, और हेलमेट पहनो, ये देखो बिना हेलमेट के चल रहा है मेरा भाई, हेलमेट पहनो भाई, फ्लाईओवर है बहुत स्पीड में चलती हैं यहाँ पे गाड़ियाँ। तो ये वाला जो साइड है ये हिल्टन उधर जाएगा, लेट्स सी, आई थिंक न्यू सांगनेर रोड सोडाला, ये नीचे उतर रहा है ये वाला साइड, ये हिल्टन के उधर उतर जाएगा, और यहाँ जिसको वैशाली की साइड आगे सोडाला उतरना है वो यहाँ से जाएगा। तो ये नीचे उतर गया वाला साइड मेरे राइट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड से आप आगे निकल जाओगे। और ये वाला साइड आई थिंक काफ़ी लंबा है, न्यू वाले फ्लाईओवर तो आई थिंक अभी 1.5 किलोमीटर्स, 1.6 हो गया है, तो आई थिंक 2 किलोमीटर्स का होगा, बाकी इन्होंने पुराने वाले फ्लाईओवर में कनेक्ट कर दिया है। तो अपन सिर्फ न्यू वाले का एक बार कैलकुलेट करेंगे कितना आता है, और ये अपन कनेक्ट हो गए पुराने वाले फ्लाईओवर पे, और ये टोटल फ्लाईओवर था 2.5 किलोमीटर्स का जो नया बना है, तो ये 2.5 किलोमीटर में अपन को यहाँ कवर करा दिया, 3 मिनट लगे 2.5 किलोमीटर कवर करने में मेरे को, और मैं आ गया हूँ अब सोडाला पे। तो ये हुआ है हमारा टोटल सफ़र, 8:05 से स्टार्ट किया था, 8:09 में 4 मिनट में 5 मिनट ले लेते हैं अपन मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम लेके चलो पूरा 5 मिनट में, 5 मिनट में हमने
विधानसभा से सोडाला टच कर लिया 5 मिनट में, पीक टाइम का टाइम है। अभी देख रहे हो कि आप ट्रैफिक, अगर रेड लाइट हो जाती है ट्रैफिक जैम हो जाता है यहाँ पे, और ये हम क्रॉस करके आगे पूरा 5 मिनट के अंदर। तो गाइज दिस इज इट फॉर टुडे, और आपको कैसा लगा अपने जयपुर का नया फ्लाईओवर ज़रूर से कमेंट करके बताना, और किसी ने अभी तक नहीं देखा है कोई चक्कर काटने नहीं है तो ज़रूर चक्कर काटने आओ। बहुत सुंदर बनाया अपना फ्लाईओवर, आपको बहुत मज़ा आएगा इसके ऊपर आके, और आप नीचे से भी चलोगे ना तो आपको लाइटिंग देख के बहुत मज़ा आ जाएगा, दिवाली वाली फील आएगी, दिवाली भी आने वाली है। तो गाइज अब इस वीडियो को यहीं करते हैं अपन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू एंड फैमिली, राइड सेफ एंड स्टे सेफ।